हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और आप देख रहे हैं गुप्ता जी टेक्निकल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वीवो के Y50 के बारे में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8GB रैम और 128GB इंटरनल Y50 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जहाँ पे आप फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ 8GB रैम, 128GB, और यहाँ पे आप लोगों को जो है कि फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो है कि आई व्यू डिस्प्ले मिलने वाला है। तो चलिए इस फ़ोन को मैं ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में जो फीचर्स है वो रियल फीचर्स आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, और देख लीजिए फ़ोन जो है कि ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैनुअल गाइड है, जहाँ पे आपको जैक पिन मिल रहा है, तो इसको साइड में रखते हैं। और सिलिकॉन का कवर है, जो कि आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा और बेटर प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत ही मजबूत कवर है जहाँ पे मैंने देखा इस फ़ोन को। और ये कलर जो है कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है कि इसका कलर लग रहा है, वाइट ब्लू कलर में। और यहाँ पे 4 कैमरा दिया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ और बूट कर लेता हूँ। तो देख लीजिए इसका कवर जो है कि कितनी खूबसूरत इसका जो है कि कलर है, और 4 कैमरा ऊपर की तरफ से, जो कि ज़्यादा बम्प भी नहीं है और आप लोग नॉर्मली इसे यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ LED प्लस आप लोगों को पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग अगर सोचते हो कि डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट मिलने वाला है तो वो नहीं मिलने वाला है। इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को बैक साइड में ही फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। 4 कैमरा दिया हुआ है, आप देख सकते हो चारों कैमरा का अलग अलग काम है। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कैमरा में ये प्रोवाइड करने वाला है बेनिफिट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल, सबका अलग अलग काम है। जहाँ पे आप रोटेट मोड और माइक्रो लेंस, बहुत सारे लेंस है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, माइक यहाँ पे दिया हुआ है, 3.5mm जैक दिया हुआ है नीचे की तरफ। और यहाँ पे आप लोगों को सिम ट्रे है, जो कि आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक पावर की और वॉल्यूम रॉकर भी देख सकते हैं। और पीछे की तरफ जो इसका रेनबो डिज़ाइन जो है कि दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, और जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है दोस्तों, और फ्रंट में आप लोगों को कैमरा जो है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला कैमरा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में आप लोगों को दिया गया है। और चाइनीज़ कुछ ऐप हैं जो कि आप फ़ोन लेने के बाद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद आया, 128GB है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट काम कर रहा है। 8GB रैम OS एंड्रॉयड पे काम करेगा दोस्तों। कैमरा देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का बुके इफेक्ट, सुपर स्लो मोशन, माइक्रो लेंस, सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को लेंस जो है कि 4 लेंस दिया हुआ है, 4 लेंस का अलग अलग काम है। प्रो मोड भी, यहाँ पे लाइव फ़ोटो भी खींच सकते हैं, स्लोमो भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम जो है कि इस 4 कैमरा का है फ़ोन के अंदर। अगर ये फ़ोन आप परचेस करते हो तो आप लोगों को इसका प्राइस जो है कि 17,990 रुपये में मार्केट प्राइस है। और जो क्वालिटी है डिस्प्ले क्वालिटी, वो बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी लग रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को इसके अबाउट में जाके इसके जो फ़ोन के फीचर्स हैं, जो रियल फीचर्स होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। तो 5000mAh की बैटरी यहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करती है Y50, जहां पे आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी, जो कि बैटरी बैकअप में आप लोग फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, और बेहतरीन अबाउट जो है कि यहां पे फ्रंट टच OS लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ कि प्रोसेसर आप लोगों को 2.0GHz का स्नैपड्रैगन 665 जो है कि बहुत ही पुराना प्रोसेसर यहाँ पे स्नैपड्रैगन दिया हुआ है। थोड़ा ऑक्टाकोर का बढ़ा दिया होता तो बहुत ही बेहतरीन होता है। 8GB रैम, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मैनुअली ज़्यादा इसमें आप लोगों को फीचर्स नहीं मिलने वाला। जहाँ पर आप डिस्प्ले क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। और मेरे हिसाब से ये 6.5 इंच का डिस्प्ले होने वाला है, फुल HD प्लस, जो है कि पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक का रेनबो कलर का यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने स्क्रैच करके भी देखा तो ज़्यादा स्क्रैच नहीं हुआ दोस्तों। और यहाँ पे 4 कैमरा जो है कि बेहतरीन आप लोगों को बेनिफिट देने वाला है, और फ़ोन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप इसे परचेस कर सकते हो, अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हो, वीवो आपका पसंद है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है कि बेनिफिट जो है कि ये फ्रंट टच OS 10 जो बेस एंड्रॉयड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी तो मुझे बहुत ही पसंद आया। आशा करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।